पद और प्रतिष्ठा बेशक दुनिया आपको दे सकती है, लेकिन तरक्की और शांति खुदावन की तरफ से होता है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सियोन प्रेयर टावर में आने वाले हर व्यक्ति से हम जानकर चलते हैं कि उनको आकर के कैसा लगता है और क्या गवाहियाँ उनके जीवन में रहती हैं। पंजाब पुलिस में सेवा निभा रहे एक ब्रदर हैं हमारे साथ, जानेंगे प्रेयर टावर में आकर के उनको कैसा लगता है और जो गलत शिक्षाएँ आज चल रही हैं, आज के वचन को सुना गया, क्या प्रतिक्रिया है। जय मसीह की सर। जय मसीह। मेरा नाम राजपाल आ। मैं जो चर्च के नाल जुड़िया वा, मैनू चर्च में आके इन्नी खुशी मिलती आ। परमेश्वर के दास जो प्रचार करते हैं ना, रूह खुश हो जाती है। कोई भी आपां बंदा आ के भड़काए कि तुम उधर जाओ उधर जाओ, किसी के मगर नहीं लगना। परमेश्वर की सिक्ख्या, परमेश्वर के दास एडे वधिया तरीके ने सिखाते हैं कि कितने बाहरले पासे जाने मूड ही नहीं करता। परमेश्वर के दास एडा वधिया वचन सिखाते हैं कि जिन्ना आपां उन्हां दी तारीफ करिए उन्नी थोड़ी आ। परमेश्वर ने सानू हर एक तरह की बरकत दिती आ। पिछला साल थोड़ जा अपना परमेश्वर ने थोड़ जा भी वह जहा ही ऐरका परमेश्वर ने चढ़ते साल ही परमेश्वर ने बरकत ही बरकत देती। परमेश्वर का धन्यवाद आ। आप परमेश्वर के नाल जुड़े रहेंगे तो बरकत पावे। जे आप कभी उस चर्च कभी उस चर्च सानू कुछ नहीं मिलने वाला। परमेश्वर के दास यो समझाते भी एक थान अपना हो के बह जा तो तेनों सदा की जिंदगी मिलेगी। आप परमेश्वर के दास का लख लख शुक्र करते हैं। परमेश्वर का शुक्र करने सानू एडा वधिया चर्च दिता जिथे साड़ी इत्थे आण के रूह खुश हो जाती है। किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं, जिथे भी मर्जी ड्यूटी होए परमेश्वर अपने आप ही टाइम कर दिंदा। ओ लोग जिहड़ा चर्चा नू बार बार बदलते रहेंगे ने, चेंज करते रहेंगे ने, कितने वड्डी चीज़ देखी वड्डी जगह देखी उन्होंने मगर लग के लोग चर्चा नू बदल रहे ने, उन्होंने बारे की ख्याल है तुहाडे? उन्होंने दिमाग के शैतान आता जी, कभी उस चर्च च कभी उस चर्च च। सानू 24-25 साल हो गए परमेश्वर के दास के नाल जुड़िया नू। सानू हजारां पादरी जानते ने, आपां कभी किसी के मगर नहीं लगे। कोई कहिंदा भी इधर जाना उधर जाना। जे सानू परमेश्वर ने तंदुरुस्ती दिती आ, बरकत दिती आ, घर बार दिता, नौकरी दिती, इत्थे आण के सब कुछ दिता। परमेश्वर ने एक थां जुड़े आ। परमेश्वर ने दास किसे वेले सानू घूर भी दिंदे ने, असीं फिर भी परमेश्वर के पैरां दे दासां दे विच दी नहीं रहिंदे आ, कदी आपां दूर नहीं जांदे। परमेश्वर का लख लख शुक्र कि इतने सानू आउण च बहुत ही आनंद मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल गलबात करन दे लई। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। खुदावंद ने मौका दिया एक बार फिर से एक और गवाही को लेकर आपके सामने आने का। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा अपने लोगों के जीवनों में कार्य करता और किस रीति से वो अपने प्रेम को लोगों तक पहुंचाता है। अक्सर चर्च के पासवान हमें बताते हैं कि आप कहीं पर भी हों, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाने से ना चूकें, क्योंकि कौन सा आपका सुनाएगा वचन किसके लिए आशीष का कारण हो जाए। तो एक ऐसी गवाही किस रीति से इनके जीवन में प्रभु का वचन पहुँचा और ये प्रभु में आज मजबूत हैं, प्रभु के वचन को जानती हैं और प्रभु के भवन में आकर इनको कैसी शांति मिलती है जानकर चलेंगे। जय मसीह की। सिस्टर जी। जय मसीह के भैया। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मैं समराला चौक से आती हूँ। मेरी गवाही इस प्रकार है कि 2003 में पास्टर जी के द्वारा मेरे पास वचन पहुँचा और उस टाइम में इस चर्च में आती थी। तो मतलब कि बीच में कुछ ऐसे हालात हुए कि हम मतलब मैं चर्च में नहीं आ पाई और मतलब कहीं इधर उधर जाने लगी, बहुत पास्टरों के पास में गई, पर प्रभु ने जो मुझे दास दिए थे वो पास्टर आर गुप्ता जी थे। तो आज 10-15 साल हो गए, दो साल से मैं दोबारा इस चर्च में आ रही हूँ और दो साल से जब मैं इस चर्च में आ रही हूँ, जो शांति जो वचन मुझे यहाँ से मिला है वो वचन मुझे कहीं से नहीं मिला। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, पास्टर जी का वचन जो समझाने का तरीका है और उसको मैं फॉलो करती हूँ और अपनी लाइफ में उसके द्वारा काम भी होता देखती हूँ। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि प्रभु ने जो दास आपको दिए हैं उनके ही पास जाया करें, इधर उधर ना घुमा करें। जो लोग गलत शिक्षाओं में बहक जाते हैं, अपने चर्च के जो नियम है, जो चर्च में प्रभु ने हमें दिया है, जो चर्च में पासवान हमें दिए हैं, उनसे दूर होकर जो रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो अपने पासवानों से दूर जाएंगे तो शैतान उन्हें भरमाएगा, बुरे बुरे हालातों में फंसेंगे, फिर परेशान होकर दोबारा पासवान के पास तो आना ही पड़ेगा, घर में लौटना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा इज्जत जलाल उस जीवते परमेश्वर को। सभी को जय मसीह।